क्या आप सच में Amazon पे प्रॉफिट बना रहे हैं या सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? Amazon बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज है एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। एंड मोस्टली सेलर्स को पता ही नहीं है ये कैसे कैलकुलेट करना है। एंड जिनको पता है वो एक्सेल शीट में अपना टाइम खराब करते रहते हैं। सोचिए कितना अच्छा होता अगर एक सेंट्रलाइज सॉल्यूशन होता जो आपको आपके Amazon बिजनेस का रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट आपको एक साथ बता देता, जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते अपने Amazon बिजनेस को फर्दर ग्रो करने के लिए। और ऐसा ही एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सेलर्स एज वेल एज फॉर Amazon एजेंसीज है सेलर बोर्ड। सेलर बोर्ड प्रोवाइड्स अ डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट सच एज Amazon फी, शिपिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, जहां अल्टीमेटली आपको वो पॉसिबिलिटीज बताता है जहां आप अपने पैसे बचा सकते हैं या फिर अपने क्लाइंट के पैसे बचा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे सेलर बोर्ड टूल से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं Marketer. Let's learn something new today. सबसे पहले आपको sellerboard.com पर जाना है और अकाउंट बनाकर अपने Amazon Seller Central को कनेक्ट कर लेना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। ये टूल एक्यूरेट प्रॉफिट बताने के अलावा और भी बहुत कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे पीपीसी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रिव्यूज मैनेजमेंट, रिफंड मैनेजमेंट, अलर्ट्स। तो जैसे ही आप अपने Amazon सेलर सेंटर को सेलर बोर्ड टूल से कनेक्ट कर लेंगे, लॉग इन करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। तो आप लेफ्ट में देखेंगे जो पहला हमारे ऐप दिख रहा है दैट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के अंदर आपको दिखेगा छोटे छोटे चीजें बताई गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक डैशबोर्ड, प्रोडक्ट एक्सपेंसेस, LTV, कैश फ्लो रिपोर्ट्स एंड और भी बाकी सब चीजें हैं इस टूल के अंदर। अगर हम देखेंगे तो पीपीसी है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑटो रिस्पॉन्डर, मनी बैक अलर्ट, शॉपिफाई एंड ईबे। अगर आप शॉपिफाई और ईबे में भी सेल करते हैं तो आप अपने अकाउंट्स को भी इसी टूल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, राइट? तो लेट्स गो वन बाय वन और इस टूल को समझते हैं कितना अमेजिंग टूल है ये। लेट्स गो अहेड। तो आप देखेंगे कि जब बाय डिफॉल्ट जो डैशबोर्ड आ रहा है आपको, जो उसमें पांच हमें बॉक्सेस दिखेंगे, तो जो पहला बॉक्स है दैट इज टुडे, कि आज हमारी कितनी सेल हुई है और उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स और यूनिट्स कितने हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो सेल है वो है $518 के अराउंड और हमारे 42 ऑर्डर्स आए हैं एंड 46 यूनिट्स हमारे सेल हुई है। द गुड पार्ट इज कि यहीं पे हमें रिफंड्स पता चल जाते हैं। आप देखोगे हमारे आज दो रिफंड है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिफंड्स के रीजन क्या है, आई जस्ट डोंट वांट द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की क्वालिटी या परफॉर्मेंस में इशू है। इसको आप फर्दर डिटेल में भी देख सकते हैं, लेकिन दिस इज अ ग्रेट टूल कि यहीं पे मेरे को एक एक अगर चीज देखनी है एक दो में वो मेरे को दिखती है, राइट? आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट मेरी आज $12 खर्च हुई है। जो एस्टिमेटेड पे आउट है, मुझे पे आउट कितना मिलेगा वो है 384। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा निकल रहा है $302 और नेट प्रॉफिट भी $302। लेकिन अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आप इस पूरे डे का जो डेटा है उसको एकदम बाइफर्केटेड डेटा देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में कि सेल मेरी $518 अगर डॉलर्स हुई है तो वो कैसे हुई है। तो आप देखेंगे ऑर्गेनिक की वजह से हुई है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट या डिस्प्ले एड से मुझे कुछ नहीं आया, राइट? नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो सारी ऑर्गेनिक बिकी है। अगर स्पॉन्सर्ड से बिकी होती तो ऑब्वियसली वहां पे नंबर्स आ रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई प्रोमो कोड लगाया है तो वहां पे डिटेल पता चलती है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपको दिखेगी कि मेरे $12 जो खर्च हुए हैं वो कहां पे खर्च हुए हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड पे मेरे $5 कुछ खर्च हुए हैं, गूगल और फेसबुक कैंपेन जो मैंने रन किए हैं उसके ऊपर भी जो $3-3 स्पेंड हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस टूल की सबसे अमेजिंग बात यही है कि यहाँ पे मेरे को एक ही जगह पे पूरा अपना एड एक्सपेंडिचर दिख रहा है कि मैंने अगर Amazon, गूगल, फेसबुक तीनों प्लेटफॉर्म्स पे एड रन किए हैं तो मेरे को तीनों का जो एड स्पेंड है वो मेरे को एक ही जगह पे दिख रहा है। तो आई कैन इजिली जज कि मेरा कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली रिफंड कॉस्ट कितनी है उसका पूरा बाइफर्केशन है, Amazon की फीस का पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मेरे को कितने कि मैंने खरीदे थे वो ऑब्वियसली ये डेटा मुझे एंटर करना पड़ेगा सिस्टम में। तो उस तरीके से एंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड एवरीथिंग इस तरीके से आप पूरा आज आज का जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं। सिमिलरली जो कल हुआ है, जो प्रीवियस डे था, उसका पूरा डेटा यहाँ पे आता है। तो जैसे हमें आज 42 ऑर्डर्स आए थे और उसमें 46 यूनिट्स हमने सेल किए थे, वहीं पे हमें कल 63 ऑर्डर्स आए थे और 67 यूनिट्स बिके थे, राइट? तो इस तरीके से आप टुडे और प्रीवियस डे के डेटा को भी कंपेयर कर सकते हैं। मंथ टू डेट अभी तक जब तक मंथ चल रहा है, इस मंथ मैंने $18,000 की सेल करी है, इतने नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे बिके हैं एंड 69 रिफंड्स आए हैं। एडवर्टीजमेंट पे हमने लगभग $744 स्पेंड किए
लिए हैं एंड दिस इज द थिंग। द नेक्स्ट बॉक्स इज दिस मंथ फोरकास्ट। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है इस टूल का एंड Amazon सेलर सेंट्रल ये नहीं बताता है और ये बहुत ही बेस्ट फीचर है। क्यों? क्योंकि मुझे ये तो पता है कि मैं लगभग $18,000 तक की सेल कर चुका हूं लेकिन इस मंथ को खत्म होने में भी अभी कुछ दिन बाकी है तो मैं ओवरऑल कितना सेल है वो अचीव कर सकता हूं, ये वो टूल बताता है जो कि Amazon सेलर सेंटर में मुझे कभी भी पता नहीं चलता। तो लेट सपोज मुझे अगर नेक्स्ट मंथ की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो आई कैन इजिली डू दैट। तो जो फोरकास्टेड अमाउंट है वो ये है कि मेरी $25,000 तक की सेल होगी ही होगी। लास्ट मंथ की बात करें तो ये लास्ट मंथ का भी डेटा प्रोवाइड करता है कि आपने लास्ट मंथ $24,000 की सेल की थी। तो अब आप देख सकते हो कि लास्ट मंथ के डेटा को से कंपेयर करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक फिगर है कि क्या मैं इस मंथ लास्ट मंथ से ज्यादा सेल कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, राइट? तो दिस टूल रियली हेल्प्स यू। जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ही बेस्ट टूल है, बहुत ही अमेजिंग टूल है आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, राइट? तो इसके बाद अगर आप इसी तरह अगर हर बॉक्स में मोर पे क्लिक करेंगे तो उस दिन का, जैसे ये प्रीवियस डे का जो पूरा बाइफर्केटेड डेटा है वो आपको मिल जाएगा। मंथ टू डेट का अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप जैसे ही मोर पे क्लिक करेंगे आपको नीचे पूरा डेटा दिख जाएगा कि कौन सा हमारा एसिन है, उसके कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, रिफंड्स कितने आए हैं, सेल कितनी हुई है, एड्स पे हमने कितना खर्चा किया है, सेलेबल रिटर्न्स कितने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, मार्जिन्स कितने हैं, आरओआई कितना है, राइट? अगर आप रिफंड के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल वो बता देगा कि जो 9 रिफंड आए हैं उसके रीजंस क्या है, कि एक्सीडेंटली रॉन्ग आइटम ऑर्डर हो गया है, डिफेक्टिव आइटम मिला है, कुछ अनडिलीवरेबल है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टूल की एक ही जगह से मुझे हर चीज पता चल जाती है, राइट? इसी डैशबोर्ड में आप अगर नेक्स्ट जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स का सेक्शन दिखेगा। प्रोडक्ट सेक्शन में आपको सभी प्रोडक्ट्स आपको डिटेल वाइज दिख जाते हैं। आप टैगिंग कर सकते हो कि ये FBA के थ्रू है, ये गिफ्ट है, कितना इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो इस तरीके से आप ये चीजें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस इज समथिंग कि आपने क्या खर्चा कर रहे हैं अपने बिजनेस पे, अपने ई कॉमर्स बिजनेस पे या अमेजोन बिजनेस पे। तो आप देखोगे मंथली अगर मेरा वेयर हाउस का रेंट जा रहा है तो वो मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट अगर मैंने सर्विस ली हुई है तो मैं उसका यहाँ पे अपना एक्सपेंस लिख सकता हूँ। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की कोई सर्विस ली है या एडवर्टीजमेंट की मैंने कोई सर्विस ली है तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। सो दैट जब ये टूल आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन करके आपको बता रहा होगा तो वो एकदम एक्यूरेट होगा, राइट? द नेक्स्ट फीचर इज LTV। LTV का जो मतलब होता है वो होता है लाइफ टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की बात कर रहे हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है किसी भी बिजनेस का और इसका मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एक कस्टमर ने से मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या उसने मेरे को कितनी सेल दी है, राइट? तो अभी आप देखोगे लास्ट 3 मंथ्स में अगर मैं बात करूं सेल्स की टर्म में तो मेरे को एक पर्टिकुलर बायर से पिछले 3 महीनों में लगभग $12.5 मिले हैं। अगर 6 मंथ्स का मैं एवरेज आउट करूं तो मेरे को $11 के करीब मिला है। 12 महीने में भी $11 के अराउंड है और लास्ट 24 मंथ्स में लगभग $11.5 के अराउंड है। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो लगभग जो हमारी लाइफ टाइम वैल्यू है वो ये है कि एक कस्टमर हमारा पिछले 3 महीने में 1.15 यूनिट्स परचेज करता है, राइट? तो ये जो LTV फैक्टर है ना ये उस टाइम आपको बहुत काम आता है जब आपका जो प्रोडक्ट है वो रिअकरिंग है। लेट सपोज आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई एडिबल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस केस में ये फैक्टर आपको बहुत हेल्प करता है, राइट? अगर आप फर्दर डेटा देखना चाहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स पे की वजह से LTV कितना है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज या एसिन वाइज भी डेटा देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो इज समथिंग की जो आपको ये बताता है कि आपने आपका खर्चा कितना हो रहा है, आपके पे आउट कितने आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने कितना खर्चा किया, कितना एक्सपेंस हुआ, कहां हुआ, कितना बच रहा है एंड ऑल। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं एंड आई हाईली रिकमेंड कि रिपोर्ट्स को आप फॉलो करें, उनको ट्रैक करें। और रिपोर्ट्स को मैं एक तरीके से और दिखा देता हूं, मैं मिस कर गया था, मैं वापस जाता हूं डैशबोर्ड पे। तो जब आप प्रोडक्ट प्रॉफिट डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप देखोगे यहां पे ये आइकन आ रहा है, राइट? तो इस आइकन से आप इस पूरे डैशबोर्ड को जितना भी डेटा है वो एक एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको करें क्योंकि बहुत सारे सेलर्स अपने डेटा मेंटेन नहीं रखते हैं। मेरी एक बेस्ट प्रैक्टिस है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं हम उनको भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेटा तब काम आता है कि लेट सपोज मैं आज 2024 में मार्च में कैसा परफॉर्म कर रहा हूं, ये मुझे मार्च 2025 में अगर कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली उस टाइम तक किसी भी डैशबोर्ड में ये डेटा नहीं होता है, स्पेशली Amazon सेलर सेंट्रल ये डेटा प्रोवाइड नहीं करता है। तो इट्स बेटर कि वो डेटा आपके पास हो सो दैट आप अपनी ईयर ओवर ईयर जो जर्नी है सक्सेस की या अप एंड डाउन की वो आप उसको मॉनिटर कर पाए, ट्रैक कर पाए एंड उसके अकॉर्डिंग ही एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट इज PPC डैशबोर्ड। PPC डैशबोर्ड बहुत प्यारा डैशबोर्ड है, बहुत ही अमेजिंग डैशबोर्ड है। बहुत सारे सेलर्स को समझ नहीं आता है कि हम PPC में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नहीं
नहीं कर रहे हैं तो ये टूल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप देखोगे यहाँ पे बार चार्ट के फॉर्म में सारा डेटा आ गया है, ग्रीन बार्स जो है वो आपको बता रहे हैं ये एक एड स्पेंड है, और प्रॉफिट जो है वो आपका ब्लू बार में दिख रहा है, जो ऑरेंज कलर की लाइन है जो ऊपर नीचे वेव है वो आपका ACoS है। राइट में आप देखेंगे तो आपको पीपीसी सेल दिखेगी कि आपने लगभग $2500 की सेल करी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 241 है। तो अगर आप उसमें भी देखेंगे इस एरो को ड्रॉप क्लिक करके तो आप देखोगे कि क्लिक्स और कन्वर्जन भी वो बता रहा है यहीं के यहीं, और साथ में अमेजोन फी का बाइफर्केशन दिखा रहा है जो आपका खर्चा हुआ है कि FBA कितनी लगी, रेफरल कितनी लगी और अदर अमेजोन फी। तो इस तरीके से आपको ये सारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। आप नीचे आएंगे तो आपने जितने भी कैंपेन सेलर सेंटर में बनाए हैं वो सब यहाँ पे दिखेंगे। एड ग्रुप वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कीवर्ड वाइज देखना चाहते हैं तो भी आपको डेटा दिख जाएगा, एंड सिमिलरली द सर्च टर्म वाइज। तो दिस इज एन अमेजिंग टूल जहां पे आप एक ही जगह पे सारी चीजें देख सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पीपीसी इज रिकमेंडेशन। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है और सेलर सेंट्रल में ये फीचर नहीं मिलता है और मैंने हार्डली किसी टूल में देखा है, बट दिस इज रियली गुड फीचर। क्यों? क्योंकि ये आपको सजेशन देता है कि आपको बिड्स में क्या चेंजेस करने हैं या क्या कौन से कीवर्ड्स या सर्च टर्म आपके लिए बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या कौन से नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप एग्जांपल के लिए देखें तो अभी आप देखेंगे हमारे पहले जो कैंपेन है N3 ब्रॉड ग्रुप का, उसमें आप देखोगे अगर यहाँ पे आई बटन पे जब आप होवर करते हो तो आपको दिखेगा अगर मैं बिड को 0.20 से 0.28 करता हूं तो मेरा जो ACoS है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा 36% तक। राइट, तो इस तरीके से आपको ये चीज, ये जो टूल है वो आपको गाइड करता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। तो बहुत सारे सेलर्स कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके, तो दिस इज अ वेरी गुड टूल टू हेल्प यू आउट। द नेक्स्ट इज वेल परफॉर्मिंग सर्च टर्म। इस केस में आपको ये पता चलता है कि आपके कीवर्ड्स कौन कौन से जो सर्च टर्म है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑटो ज्वेलरी ब्लू व्हाइट में हमें पेपर बॉक्स जो सर्च टर्म है उसको ऐड कर लेना चाहिए। ये बहुत ही रिकमेंडेड एक्शन है सेलर बोर्ड टूल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बैड परफॉर्मिंग सर्च टर्म भी हमें पता चल जाते हैं कि ऑर्नामेंट बॉक्स जो है वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है तो इसको नेगेटिव कर देना चाहिए। राइट, तो दिस इज अ ग्रेट टूल जो आपको सब बताता है कि बिड कितनी ऊपर करनी है, नीचे करनी है, कौन सा टर्म या सर्च टर्म परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो डू चेक दिस आउट। द नेक्स्ट इज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी जो टूल है इनका ऑसम टूल है क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं कि कितने दिन का स्टॉक लेफ्ट है, कितना ऑर्डर करना है। सेलर सेंट्रल हमें ये तो बताता है कि कितने दिन का स्टॉक है लेकिन वो ये नहीं बताता कि कितनी इन्वेंटरी रीस्टॉक करनी है। राइट, तो आप इस पूरे डैशबोर्ड को समझते हैं तो आप शुरू में देखोगे कि FBA प्लस FBM ये पूरी यूनिट्स हमारे पास कितने पड़े हैं, हमारा कॉग्स कितना है, पोटेंशियल सेल और पोटेंशियल प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, प्रिपरेशन स्टॉक हमें कितना रेडी करना है, ऑर्डर कितना है और टोटल यूनिट्स। तो आप जब नीचे आएंगे तो आप देखते हो एसिन वाइज भी आपको डेटा मिल जाता है। तो आप देखोगे कि एसिन, अगर हम सेकंड एसिन की बात करें तो अभी जो स्टॉक है वो हमारे पास 178 डेज का स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। राइट, और अंटिल नेक्स्ट ऑर्डर कितने दिन है नेक्स्ट ऑर्डर आने में, दैट इज 133। द गुड पार्ट इज कि ये टूल आपको रिकमेंडेड क्वांटिटी भी बताता है कि कितने ऑर्डर करना है। तो आप ऊपर वाले अगर एसिन में देखेंगे तो आप देखोगे कि ये खुद ही बता रहा है कि 225 यूनिट्स हमें री ऑर्डर कर लेना चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा बहुत तेजी से बिक रहा है। राइट, तो इन दिस वे यू कैन ट्रैक योर इन्वेंटरी, यू कैन ऑप्टिमाइज योर इन्वेंटरी, क्योंकि बहुत सारी बार मैंने देखा है कि सेलर्स आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं क्योंकि वो टाइमली रीस्टॉक अपने प्रोडक्ट्स नहीं कर पाते। इसके बाद हम आएंगे ऑटो रिस्पॉन्डर पे। ऑटो रिस्पॉन्डर इज अनदर वेरी अमेजिंग टूल फ्रॉम सेलर बोर्ड। हम सभी को पता है कि रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अमेजोन बिजनेस में या ई कॉमर्स बिजनेस में, और अमेजोन हमें ऑटो रिक्वेस्ट का बटन देता है। बाय यूजिंग दिस टूल अपने कैंपेन्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट वाइज अपने रिव्यूज को मंगा सकते हैं, मेल्स भेज सकते हैं। तो अभी आप देखोगे कि अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो इतने सारे कैंपेन्स हमने बनाए हुए हैं और इन इन प्रोडक्ट्स पे बनाए हुए हैं, तो कुछ का स्टेटस एक्टिव है, कुछ का इनएक्टिव है। तो इस तरीके से आप इस पूरे सेक्शन में ऑटो रिस्पॉन्डर में आप अपने जो कैंपेन्स है बना सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये एक बार बना के सेट कर देना है और ऑटोमेटिकली ये जो आपका कस्टमर है जिसने आपसे परचेज किया है प्रोडक्ट उसको मेल भेजता रहेगा टू गेट अ रिव्यू। द नेक्स्ट इज अलर्ट। अलर्ट बहुत अच्छा फीचर है सेलर बोर्ड टूल का, एंड इस केस में ये होता है कि ये आपको बता देता है कि आपके अकाउंट में क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप जैसे देखोगे यहाँ पे मेजर जो अभी अलर्ट्स आए हैं वो 30 हैं, माइनर कोई भी नहीं है, तो टोटल 30 है। ये सिंपल सा बॉक्सेस हैं, सिंपल डेटा है। लेकिन द ब्यूटी इज कि नीचे हम देखेंगे आप देखोगे कि इस एसिन की फी चेंज हो चुकी है $3.57 से 2.57। राइट, तो ये जो अलर्ट है ना ये हमें मैनुअली ट्रैक करना पड़ता है तो बहुत दिक्कतें होती है क्योंकि आपके नंबर ऑफ एसिन जैसे ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज। तो एज अ एजेंसी जब हम अकाउंट मैनेज करते हैं वी ऑलवेज यूज सच प्रोफेशनल टूल्स सो दैट क्लाइंट्स को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो अगर आपका अकाउंट अमेजॉन सेलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे SKUs हैं, बहुत सारे एसिन हैं जिनको ट्रैक करना मुश्किल है, तो दिस इज एन अमेजिंग टूल फॉर यू। इसके अलावा फी चेंज के अलावा भी बहुत डिफरेंट टाइप के अलर्ट्स होते हैं, जैसे आपका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है तो ये एसिन, तो आप इसको
रीस्टॉक कर लीजिए। अगर आपके कमीशन कटा है तो आप वो बता पाएंगे कि 12% से 7% का कमीशन चेंज हो गया है, रीऑर्डर करने का टाइम आ गया है। तो इस तरीके से ये पूरा टूल आपको चीजें बताता है। दिस इज एन अमेजिंग टूल जो आपको ये सारी डिटेल्स एक ही जगह पे दे रहा है। सेलर बोर्ड इज मोर देन जस्ट अ टूल, ये आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बताता है, फिर चाहे वो प्रॉफिट कैलकुलेशन हो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन हो, कस्टमर रिव्यूज को मैनेज करना हो। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको एक बार ये टूल जरूर चेक करना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि आपको 1 month का फ्री ट्रायल ये प्रोवाइड करता है। अब इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक आउट। टूल अमेजिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep selling, keep smiling.